भी 450 रुपए का है 3 लीटर का। ये 1500 रुपए का 5 पीस का आपको सेट मिलेगा ओनली 550 रुपए की रेंज में। आपको 110 रुपए की रेंज मिलने वाला है, आपको 200 रुपए की रेंज आपको मिलने वाला है, आपको 120 रुपए की रेंज पे फ्राई बन मिल जाएगा, या आपको 300 रुपए रेंज में 3 पीस सेट मिलेगा बॉक्स वाला। 220 रुपए किलो के हिसाब से एल्युमिनियम की मिलेगी, 250 रुपए में आपको मसाले की दानी मिलने वाली है। सभी सामान ले लो, सबका प्राइस सेम रहेगा ओनली 20 रुपए की। ये 1000 रुपए के 5 बॉक्स पड़ेंगे, ये 550 रुपए का है और ये 1050 रुपए का। गुड मॉर्निंग फैमिली, तो आज इस वीडियो ले चुकी हूँ सदर बाजार दीप्तिगंज मार्केट एक्सप्लोर करने। आप हमारे पीछे मार्केट करने वाली है, फिर अब चलते हैं और आपको जो है आज का धमाकेदार कलेक्शन दिखाने से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी बर्तन मार्केट रहने वाली है, तो ये दीप्तिगंज में पड़ेगी, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आरके आश्रम मेट्रो से और 30,000 मेट्रो से आ सकते हो रिक्शा लेके, तो यही हमारी मार्केट रहेगी। तो जो टाइम हो चुका है 12:58 हो चुके हैं, देख सकते हो मार्केट में रश है, तो कोई भी आता है तो अपने पर्स और मोबाइल का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर बैग लेके आए तो उसको आगे टांगे, क्योंकि यहाँ पे पर्स और मोबाइल बहुत जल्दी चोरी हो जाते हैं। तो आपको आपका कलेक्शन दिखाती हूँ क्या देखने को आज नया मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुकर वाले भैया मिल जाएंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कलेक्शन दिखाऊंगी। तो कुकर हर रेंज में स्टार्ट होता है, तो 1.5 लीटर से कुकर स्टार्ट है, 15 लीटर तक भैया के पास मिल जाएगा। अगर प्लस साइज प्लस में भी मिलेगा तो कुकर तो भैया से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगी ये आपको 1.5 लीटर का कुकर मिलने वाला है। तो इनमें भी ना क्वालिटी और प्राइस का अंतर होता है। 1.5 लीटर का है ये, इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 450 रुपये की रेंज में 1.5 लीटर का है ना ये। अच्छा, ये 2 लीटर का है 450 में, और 1.5 लीटर का ये वाला रहेगा, ये 380, ये 380 में मिलने वाला है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये कि अगर दिल्ली में कोई रह रहा है तो घर बैठे भी मंगा सकते हो, अगर कोई से भी आपको कुकर पसंद आता है। दिल्ली से बाहर रहने वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दिखाऊंगी ये आपको 3 लीटर का मिलने वाला है, 3 लीटर का कुकर मिलेगा। इसका प्राइस क्या रहेगा? ये भी 450 रुपये का है 3 लीटर का, और जो मैंने आपको दिखाया था वो 2 लीटर वाला भी सेम प्राइस में था। एक दिखाऊंगी ये आपको हांडी लुक में मिलेगा, इसका प्राइस ये 580 रुपये, ये भी 3 लीटर है, ये भी 3 लीटर में मिलेगा। हाँ, ये हांडी शेप है तो थोड़ा सा महंगा होता है। तो इसके बाद मैं और भी दिखाऊंगी, मेरे पास काफ़ी सारे कुकर्स मिल जाएंगे। ये जो कुकर है ना ये वाला 5 लीटर का है, इसमें अच्छा ये मिल्टन का है 5 लीटर का भैया प्राइस 650, ये 650 रुपये का है। और इसी मेरे एक भैया के पास हांडी में भी है, पीछे जो लास्ट में दिख रहा है हांडी, इसका प्राइस क्या रहेगा? हांडी वाले का रहेगा 750 की है, वो 750 रुपये का है, ठीक है। ये 850 रुपये का है 7 लीटर का कुकर है, और ये 800 का 7 ही लीटर का कुकर है वो भी। तो हांडी शेप वाला थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बाकी आप कुकर तो सेम ही है, खाना भी सेम ही पकेगा जैसे पको, बस खाली शॉप अलग अलग उसके शेप है। बाकी इसके बाद दिखाऊंगे इनके पास ये आज लारके, आप इसमें आप चपाती रखो, राइस रखो, कुछ भी रख सकते हो, है ना। ये प्राइस क्या रहेगा? ये ओनली 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये का आपको मिलने वाला है। इसमें भैया के पास ना कलर मिल जाएंगे, ये कलर रहने वाला। एक भैया के पास ये हैंडल वाला है, इसमें हैंडल पकड़ने वाला है। इसका प्राइस क्या रहेगा भैया? 240 रुपये का एक कलर ये मिल जाएगा। एक इसमें रेड भी आएगा, इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है, 240 रुपये। और इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा साइज है इसका, 220 रुपये, ये आपको 220 रुपये की रेंज में मिलने वाला। इस तरीके की मैंने आपको कलेक्शन दिखा दी है यहाँ पे भैया के पास। आज भैया ये ला रखे थे तो मैंने दिखाया आपको कुकर के साथ साथ। सिग्नोरा वेयर्स करके जो शॉप रहेगी उसी के जस्ट बगल में, जो यहाँ पे आपको इस टाइप का सिलेंडर स्टैंड मिलने वाला है, तो इसका जो प्राइस रहेगा आपको 150 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। तो ये जो है अच्छी क्वालिटी है, अगर आप इससे और हैवी क्वालिटी लेना चाहते हो तो ये जो है आपको 250 रुपये की रेंज में जो है यहाँ पे सिलेंडर स्टैंड जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको ये मिलने वाला है, इसमें ये स्टैंड है, तो इसमें हम आलू प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी रख सकते हो। तो इसका जो है प्राइस जो रहने वाला है आपको मिलेगा ओनली 550 रुपये की रेंज में है। इसका थोड़ी और हैवी क्वालिटी है, डबल रेंटेड है, तो इसका प्राइस जो रहने वाला है आपको मिलेगा ये 650 रुपये रेंज में। 3 लेयर्स वाला है, ये भी 3 लेयर्स वाला है, तो बट क्वालिटी का फ़र्क है। ये 550 का है, ये आपको 650 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। इसके बाद जो है आपको फुल बर्तन स्टैंड मिलने वाला है, तो इसका प्राइस क्या रहेगा भैया? इस वाले का प्राइस ये आपको 750 रुपये की रेंज में मिलने वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये वाला ये 950, और जो ये सबसे बड़ा वाला साइज़ है ये आपको 1000 का,
अच्छा, ये आपको 1050 रुपए की रेंज यहाँ पे जो है मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपको बर्तन मिल जाते हैं ये आपको जो किलो के हिसाब से मिलने वाले हैं बर्तन। तो ये जो कर रखे हैं 230 रुपए किलो की रेंज में, तो आप इसे तो आपको पतीला मिल जाएगा। प्राइस रहेगा ओनली आपको जो ये 230 रुपए किलो की रेंज में है। जितना जो है किलो के हिसाब से जो वेट आएगा उस हिसाब से जो है भैया अपना प्राइस बता के आपको जो प्राइस बताएंगे। प्राइस रहेगा 230 रुपए किलो की रेंज में आपको जो ये मिलने वाला है यहाँ पे। इसमें जो आपको यहाँ पे अलग अलग यूटेंसिल्स मिलने वाले, बर्तन मिलने वाले हैं। साइज की बात रहती है और क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हैवी क्वालिटी रहने वाली है। प्राइस रहेगा 230 रुपए किलो की रेंज में। जितना किलो का वेट आएगा उतना उसका प्राइस जो रहने वाला है। इसका देखोगे आपको ये मिलने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और हैवी में आपको मिलने वाला है। तो डिज़ाइनेबल कढ़ाई मिलेगी आपको। प्राइस रहने वाला है इसका भी 230 रुपए किलो की रेंज में। इसके बाद आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो है आपको ये थाली मिलने वाली है, तो इसका प्राइस भी रहेगा 230 रुपए किलो की रेंज में। जितना किलो का वेट आएगा उतना सबसे ज़्यादा प्राइस रहेगा। फ्राई पैन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, प्लेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सारे सामान आपको जो है 230 रुपए किलो की रेंज में आप जो है मिल जाएगा। अनुराग जैन एडवोकेट का जो बोर्ड रहेगा उसी के जस्ट नीचे जो है आपको हमें भैया मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो उन्होंने बर्तनों का कलेक्शन लगा रखा है, तो ये आपको जो है पर पीस के हिसाब से बर्तन देते हैं। तो पहले आपको जाती हूँ ये आपको जो है मिलने वाले, चलिए इसमें आप जो है आटे वगैरह फेंट सकते हो, पास्ता वगैरह बना सकते हो। क्या प्राइस है ये आपको 120 रुपए रेंज में, सब्जी वगैरह भी दे सकते हो। 120 रुपए की रेंज में आपको जो है मिलने वाला है। ये आपको पर पीस के हिसाब में बता रही हूँ, किलो का रेंज नहीं है यहाँ पे, पर पीस का प्राइस रहेगा। यहाँ पे आपको कटोरी मिलेगी, यहाँ पे डिज़ाइनेबल है। बर्तन अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे टच करके ना दिखाऊँ तो बोलना मत कोई भी। तो इसका प्राइस 25 रुपए, ये आपको 25 रुपए की रेंज में मिलने वाला है पर पीस, 25 रुपए की रेंज में। और ये आपको मिलेगी कटोरी प्लेट, इसका प्राइस ये आपको 20 रुपए की जो है रेंज में मिलने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको दिखाऊंगी ये आपको मसलदानी मिलने वाली है। तो ये इसके अंदर आपको जो है बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाते हैं किस टाइप की, खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, ये खाली बॉक्स ही बॉक्स आपको जो मिलने वाला है। और टिफ़न मिलेगा, प्राइस क्या रहेगा ये आपको 80 रुपए की रेंज में मिलने वाला है यहाँ पे। इसमें आपको जो है साइज वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे कितने का। अच्छा, ये सेट भी मिल जाएगा 450 रुपए की रेंज में आपको सेट भी मिलने वाला है यहाँ पे। ये आपको जो है पाँच इंडर वाली आपको थाली मिलने वाली है, इसका प्राइस ये आपको 110 रुपए की रेंज में मिलने वाला है यहाँ पे। तो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी रहेगी, 110 रुपए की रेंज में आपको यहाँ पर जो ये प्लेट मिलने वाली है। ये आपको 6 पीस सेट मिलने वाले हैं कप का, 250 रुपए का प्राइस रहेगा। ये ना आपको सिंगल पीस दिखाया, मैंने पीछे वहाँ पे रख रखा है। 6 पीस का सेट आपको जो है 250 रुपए की रेंज में मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको बॉटल मिलने वाली है स्टील में, तो इसमें जो है पानी आपको 2-3 घंटे जो है ठंडा रहेगा। तो हॉट एंड कूल समझ सकते हो आप एक तरीके से। क्या प्राइस रहेगा ये आपको 180 रुपए की रेंज में मिलने वाली है। स्टील के ऊपर मिलेगी, 180 रुपए की बॉटल आपको जो है मिलने वाली है यहाँ पे। ये आपको जो है फैब्रिक मिलने वाला है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, 140 या आपको 140 रुपए की रेंज में मिलने वाला है फैब्रिक यहाँ पे। तो इसमें जो है आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे और साइज भी मिल जाते हैं। प्राइस रहने वाला है 140 रुपए की रेंज में आपको जो ये दिखाते हैं मैंने, प्राइस रहेगा इसका। यह आपको जो थर्मस मिलने वाला है 380 रुपए की रेंज में आपको जो ये थर्मस मिलेगा, डायमंड कंपनी का मिलने वाला है 380 रुपए की रेंज में। इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे टिफ़न वगैरह भी दिखा देती हूँ, तो टिफ़न वगैरह भी आपको जो यहाँ पे स्टील में मिलने वाले हैं। तो किस टाइप के वो हमको दिखा देते हैं। तो ये आपको जो टिफ़न बॉक्स मिलेगा, इसे खोल के दिखाती हूँ किस टाइप का रहने वाला है ये। और एकदम प्योर स्टील का आपको मिलने वाला है। प्राइस क्या रहेगा इसका भैया, प्राइस? हाँ, ये आपको 300 रुपए की रेंज यहाँ पे टिफ़न बॉक्स मिलने वाला है। इसमें भी आपको जो क्वालिटी वगैरह मिल जाती है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको बॉटल मिलने वाली है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको जो बॉटल मिलेगी। प्राइस क्या है बॉटल का? ये आपको 120 रुपए की रेंज में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो है बर्तन वगैरह ये आपको तड़का लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ये है ना काफ़ी अच्छे काम करता है तड़का वगैरह लगाने के लिए। तो क्या प्राइस रहेगा इसका? ये वाला? हाँ, 200 रुपए। ये आपको 200 रुपए की रेंज में आपको मिलने वाला है। तो जो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहने वाली भी के पास आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगी। ये आपको जो लोटा मिलने वाला है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको जो ये लोटा मिलेगा, इसका आपको दिखाऊंगा स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्राइस रहने वाला ओनली 200 रुपए की रेंज में आपको जहाँ पे लोटा मिल जाने वाला है। क्वालिटी ड्रेस की शॉप रहेगी उसी के जस्ट सामने जो पे आपको भैया मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले लगा के कढ़ाई, तो प्राइस रहने वाला है
290 रुपए किलो की रेंज में है, और जितना किलो का वेट आएगा उस हिसाब से जो प्राइस है यहाँ पे आपको बताएंगे। इसमें आपको यहाँ पे फ्राइबन भी मिल जाएगा, प्राइस जो है सेम ही रहने वाला है, 290 रुपए किलो की रेंज में जो है आपको फ्राइबन भी यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो इसमें जो आपको प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगी, प्लेट्स का 245 रुपए किलो की रेंज में आपको यहाँ पे प्लेट्स मिलने वाली है, और 290 रुपए की रेंज में आपको फ्राइबर और कढ़ाई मिलने वाली है यहाँ पे किलो की रेंज में। इसके बाद आपको 3-पीस बॉक्स का सेट मिलने वाला है। क्या प्राइस है इसका? यह आपको 300 रुपए रेंज में 3-पीस सेट मिलेगा बॉक्स वाला। इसके बाद जो है वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। ये आपको जो है कॉर्नर वाला कंटेनर मिलेगा इस टाइप का, लेयर्स, 3 लेयर्स वाला। तो इसका प्राइस क्या रहेगा? ये आपको 100 रुपये की रेंज में आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है ये, ठीक है। इसके बाद ये आपको जो है जूना स्क्रबर मिलने वाला है, इसका प्राइस क्या रहेगा? ये आपको जो है 80 रुपये यहाँ पे पैकेट मिलने वाला है, इसमें आपको जो है 13 पीस आने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आपको हम दिखा देते हैं, ये आपको मिलने वाला है अमाम दस्ता मतलब ओखली। तो क्या प्राइस है इसका? यह आपको 150 रुपये की रेंज में मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पे आटे की छन्नी मिलने वाली है, इसका प्राइस ये आपको 50 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। इससे आपको साइज मिल जाएंगे, उस हिसाब से उसका प्राइस जो रहने वाला है। ए बी के यहाँ पे जो प्रेस वाला शॉपर है, प्राइस क्या रहेगा? ये आपको 150 रुपए की रेंज में, और इससे जो हैवी क्वालिटी वाला है वो 200 रुपए की रेंज में आपको चॉपर मिलने वाला है यहाँ पे। इसके बाद आपको होंगे आपको छन्नी मिलने वाली, से आप पूड़ी वगैरह बना सकते हो और तलने वाले बना सकते हो। क्या प्राइस है इसका? इसका ये वाला कितने का है वैसे? ये आपको 100 रुपये की रेंज में है, और इससे हल्का वाला लोगे तो ये आपको 50 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। तो क्वालिटी मैंने पकड़ी है तो यहाँ पर चल रहा है कि ये 50 वाला, ये 100 वाला आपको मिलने वाला है यहाँ पे। जो आपको हांडी मिलने वाली है, बेद आपको जो ढक्कन मिलेगी, प्राइस रहेगा 230 रुपये किलो की रेंज में। ये आपको जो किलो के हिसाब से मिलने वाला है, किलो के इसमें जो होता है जितना उसका वेट रहता है ना उस हिसाब से प्राइस रहेगा। जैसे ये जो है आपको 230 रुपये किलो मिल रहा है, और ये जो किलो में है आपको सस्ते बर्तन पड़ते हैं। अगर आप पर पीस से लोगे तो वो महंगे पड़ेंगे, अगर आप किलो के हिसाब से लोगे तो वो सस्ते पड़ने वाले हैं। ये करछी पलटा वगैरह कैसे है? अच्छा, ये भी आपको 230 रुपये किलो की रेंज में आपको जो है मिलने वाला है यहाँ पे। इसमें भी जो आपको देखोगे काफ़ी सारे इसमें जो आपको वैराइटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, 230 रुपये किलो की रेंज में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको इस टाइप के देखोगे हांडी वगैरह मिल जाएगी 230 रुपये किलो की रेंज में ही जो आपको ये मिलने वाला है। आप जितना किलो का वेट रहेगा सबसे उसका जो प्राइस रहने वाला है। इसमें आपको जो आप बर्तन देते सब तो ये आपको रहने वाले हैं 230 रुपये किलो की रेंज में। इसके बाद आपको दिखाऊँगी ये आपको जो है ये आपको 3-पीस सेट मिलने वाले हैं। इसमें आपको तवा मिलेगा, फ्राइबन वो मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी और एक फ्राइबन मिलने वाला है। 700 रुपये का आपको जो ये 3-पीस सेट मिलने वाला है, और इससे आपको जो कैप भी मिलने वाली है 700 रुपये का 3-पीस सेट विद आपको कैप मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएंगे, बर्तन के साथ साथ आपको ये स्टैंड मिलने वाला है, ग्लास स्टैंड है, साथ में आपको प्लेट स्टैंड। प्राइस रहेगा ओनली 300 रुपये की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद ना इनके पास ये जो स्टैंड रहने वाला है इसका, इसमें आप तवा रखो, चकला बेलन रखो, ये स्टैंड मिलेगा। भैया प्राइस ये आपको 180 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। बाकी आपको कप स्टैंड भी मिल जाएगा इन भैया के पास। तो यहाँ पे आपको किलो के भाव से भी और पर पीस के हिसाब से भी आपको बर्तन मिल जाते हैं। तो बर्तन दिखाऊँगी, ये दिखाऊँगी नहीं, ये आपको थाली मिलने वाली है एप्पल शेप में। भैया किलो के हिसाब से कैसे है ये? ये 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। तो किलो के हिसाब से ना बर्तनों का प्राइस कम रहता है, अगर पर पीस के हिसाब से लोगे तो महंगा पड़ता है। तो ये आपको 5 खाने वाली प्लेट भी मिलने वाली है, ये भी आपको 300 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे ले जाओ। इसके बाद यहाँ पे आपको कढ़ाई मिलने वाली है, एलुमिनियम की कढ़ाई है। क्या प्राइस रहेगा भैया इनका? ये 220 रुपये किलो के हिसाब से एलुमिनियम की मिलेगी। और बाकी आपको ना ये वाली मिलने वाली है, इंडक्शन वाली है 30। वैसे तो ये बहुत गर्म हो रही है, देखिए धूप लग रही है इसके बर्तनों के ऊपर, तो ये काफ़ी हैवी क्वालिटी में रहने वाली है। तो इसका प्राइस भी ये कैसे रहेगा किलो के हिसाब से? ये किलो के हिसाब से कैसे रहेगा? ये 550 रुपये किलो के हिसाब से आपको ये मिलने वाली है कढ़ाई। तो हर बर्तन अब पर पीस का हिसाब ही है, और किलो के हिसाब से भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखो आपको डोलची वगैरह हर एक बर्तन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये मैं बर्तन दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे हल्की है और 200 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। किलो के हिसाब से जो वेट पड़ेगा ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे बर्तन मिलेगा। वैसे ऐसे ही लगा सकते हो 15-20 रुपये का ये मिलेगा आपको। वैसे आपको किलो के हिसाब से लोगे तो काफ़ी सस्ते रेट पे मिलने वाले हैं। इस तरीके के बर्तन देख सकते हो,
कटोरे हैं, डोंगे हैं, हर का प्राइस जो रहने वाला है 200 रुपये किलो के हिसाब से। बाकी इधर भी भैया ने लगा रखे हैं, ये भी आपको ना डोंगे मिलने वाले हैं। जो डोंगे की क्वालिटी का हो ना बिल्कुल हैवी वाली है, कम से कम ये आधा किलो से प्लस ही होंगे ना भैया, आधा किलो से ज़्यादा ही होंगे बर्तन 200 रुपये किलो के हिसाब से। ये भैया यहाँ पे बर्तन दे रहे हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी में, तो प्राइस ओनली 200 रुपये किलो, जितना वेट पड़ेगा उस हिसाब से बर्तनों का प्राइस रहने वाला है। तो अलग अलग आपको छोटे बड़े साइज़ में इस तरीके की आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे बर्तन। इसके बाद थोड़ा सा आपको और आगे चल के दिखाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बर्तन दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी बहुत ही मसाले वाली दाने मिलेगी, प्राइस ओनली 250 रुपये में आपको मसाले की दाने मिलने वाले हैं। ये इसमें 6 छोटे कंटेनर है, 2 बड़े हैं, प्राइस जो रहेगा ओनली 250 रुपीज़ की रेंज में आपको ये मिलने वाले हैं। टायर के साथ देखो, टायर घूम भी रहे हैं, कहीं भी आप इसको हिला सकते हो, प्राइस जो रहेगा ओनली 250 रुपीज़ के रेंज में मिलेंगे। इसके बाद ना इनके पास यहाँ पे बटर नाइफ है, हर चाकू वगैरह है, प्राइस जो रहने वाला पर पीस का 10 रुपये रहने वाला। दिखाऊंगी, देखो ये जो नाइफ है ये बटर वाला है, प्राइस 10 रुपये, और ये वैसा नाइफ है सब्जी वगैरह काटने का, ये भी आपको 10 रुपये मिलेगा। बाकी ये स्पून ले जा सकते हो, 10 रुपये पर पीस आपको ये मिलने वाली है। इस तरीके की ये है क्या भैया, ये कुछ होगा, हाँ अच्छा इसी के टायर जो मैंने पहले से कहता। बाकी यहाँ पे आपको ना ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ मिलने वाली हैं। ये कटोरी कैसी है, यहाँ पे 10 रुपये की आपको 10 रुपये पीस आपको कटोरी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप छांट के ले जा सकते हो। ढक्कन वगैरह भी भैया के पास यहाँ पे हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको और भी बर्तन दिखाऊंगी, तो यहाँ पे ना इनके पास आज भैया दूसरे बैठक के लग रहा है, तो यहाँ पे आपको ये छन्नी मिलने वाली, सब्जी वगैरह धो सकते हो, कोई भी चीज़ इस्तेमाल में ले सकते हो। प्राइस 120 रुपये की आपको ये मिलेगी। इसके बाद इसमें साइज़ छोटे बड़े तो प्राइस अलग अलग रहेगा। इसके बाद ये जो क्वालिटी है ना कटोरी की, बहुत हैवी वाली है और बहुत ही सुंदर लगती है। इससे इतनी छोटी साइज़ की कटोरी आपने वैसे नहीं देखी होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कटोरी का प्राइस क्या रखा भैया ने, 20 रुपये की एक कटोरी मिलेगी आपको। इसमें भैया के पास ग्लास भी हैं, ये भी आपको ग्लास मिलने वाले हैं। प्राइस सेम है ग्लास का, प्राइस ये ओनली 30 रुपये का ग्लास मिलेगा। इसमें सेम ही डिज़ाइन है, 30 रुपये का पर ग्लास आपको मिलने वाला है। बाकी भैया के पास दिखाऊंगी ना, यहाँ पे आप प्लेटें थालियाँ मिल जाएंगी। कैसे दे रहे हो ये वाली, सब अलग अलग रेट पे हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो कितने रुपए से स्टार्ट है, 10 से अच्छा 20 रुपये से स्टार्ट है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, एक भैया के पास मैं दिखाती हूँ। 20 वाली कौन सी, छोटी वाली, ये कैसे हैं, ये आपको 15 रुपये की मिलेगी। बाकी इस तरीके की आप एक कटोरी की क्वालिटी ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर है। भैया इसका प्राइस क्या है कटोरी का, ये कटोरी का प्राइस क्या रहेगा, ये ओनली 30 रुपीज़ की कटोरी मिलने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे इस तरीके के बर्तन मिल जाते हैं, जो भैया लगाते हैं वो आज बैठे नहीं थे। यहाँ पे जो आपको मिला है बर्तनों का सामान, तो ये जो आप डिस्कवरी सुपरस्टार मार्केटिंग की शॉप रहेगी उसी के जस्ट सामने आपको जो यहाँ पे बर्तन वाले भैया यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपको मिल जा रहा है मनी बैंक, तो गुल्ला कह सकते हैं इसे। प्राइस ये आपको 70 रुपये की रेंज मिलने वाला है, और ये आप एक नॉर्मल कंटेनर मिलेगा आपको, इसका प्राइस ये आपको 150 रुपये की रेंज मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन आप भैया कहते आपको डिज़ाइनर पर कटोरी मिलने वाली है, इसका प्राइस ये आपको 20 रुपये की रेंज यहाँ पर कटोरी मिलेगी। यहाँ पर डिज़ाइनर पर आपको कटोरी यहाँ पे मिलने वाली है ओनली 20 रुपये की रेंज में। ये कल्टा पर्ची इसमें आपको मिलने वाला है, ये क्या प्राइस है, ये आपको 60 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। ये चावल वगैरह निकालने के लिए होता है, तो प्राइस जाने वाला है इनका ओनली 60 रुपये की रेंज में। इसमें भी आपको जो नंबर मिल जाएंगे 2, 3, 4, इसमें जो भी नंबर होते हैं वो भी आपको इसमें जो है मिल जाएंगे, साइज मिल जाएंगे। ये आपको जो है कप मिलने वाला है यहाँ पे, तो भैया ने इस टाइप का पैकिंग नहीं खोल रखी है। क्या प्राइस कर रखा है, 20 रुपये का एक पीस है, अभी भैया ने पैकेट नहीं खोल रखा। वैसे आपको 20 रुपये का एक कप यहाँ पर जो है मिलने वाला है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो होंगी, ये आपको जो इस टाइप की थाली मिलने वाली है, तो क्या प्राइस है इसका, ये आपको 40 रुपये की रेंज में मिल जाएगी यहाँ पे। एक भी के पास यहाँ पे जो आपको लोटा मिलने वाला है, तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। प्राइस क्या रहेगा, ये आपको 60 रुपये की रेंज में यहाँ पर जो लोटा मिलने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, ये आपको जो मिलने वाला है फ्राइबन, तो कुछ न्यू डिज़ाइन में ही आपको फ्राइबन मिलने वाला है। प्राइस ये आपको 120 रुपये की रेंज में यहाँ पर फ्राइबन मिल जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, ये आपको जो टिफ़िन मिलने वाला है, क्या प्राइस है इसका, ये आपको 90 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको बर्तन की सेल लगा के 20 रुपये आप कोई भी बर्तन ले जा सकते हो यहाँ से,
प्राइस रहने वाला है 20 रुपये की रेंज में। इस टाइप आप डोंगल ले जाओ या कप ले जाओ, प्राइस रहेगा 20 रुपये की रेंज में। ये जो आप कप देख सकते हो इनका प्राइस भी रहेगा 20 रुपये की रेंज में। ये आपको जो है पूरी जगह तैरने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसका प्राइस भी रहेगा ओनली 20 रुपये की रेंज में। तो क्वालिटी की बात करते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो रहने वाली है, ये आपको लाइटर मिलेगा, प्राइस रहने वाला ओनली 20 रुपये की रेंज में। तो ये एकदम फ्रेश माल रहता है, प्राइस रहेगा 20 रुपये की रेंज में। आपको छनी ले लो, सबका फेटनर ले लो, प्राइस जो है सभी का सेम रहने वाला है। 20 रुपीज़ की रेंज में आपको जो यहाँ पे बर्तन मिलने वाले हैं। और अगर आपको यहाँ पे देखोगे इस टाइप के चम्मच चाहिए बड़े वाले, इसका प्राइस भी रहेगा ओनली 20 रुपये की रेंज में। जिसमें आपको टाइप का जो ये ना ये पकड़ने के लिए, जैसे कोई गर्म बर्तन होता है उसे पकड़ने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। 20 रुपये इसका जो है प्राइस रहने वाला है। यहाँ पे कोई सा भी सामान ले लो, सबका प्राइस जो सेम रहेगा ओनली 20 रुपये की रेंज में। ये आपको फ्राई बन मिलेगा, प्राइस रहेगा ओनली 150 रुपये यानी 150 रुपये। चाय भी ये वाला ले लो, चाय बनाने वाला, प्राइस सेम ही रहेगा 150 रुपये। काफ़ी हैवी क्वालिटी में है, तो एल्युमिनियम के ऊपर रहने वाला है। इनके पास दो ही तरीके इस तरीके डिज़ाइन थे जो फ्राई बन में, प्राइस जो रहने वाला ओनली 150 रुपये इसका प्राइस रहेगा। बाकी जो भी है तुम्हारे हाथ में सेम प्राइस है इसका भी, ये भी आपको 150 रुपये की रेंज में मिलने वाला है। हर्ष स्टील बर्तन करके शॉप रहने वाली है, तो ये वैसे 7 डे ओपन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाऊंगी ये एल्युमिनियम का पतीला मिलने वाला है। किलो का हिसाब है ना, कैसे दिया? 280 रुपये किलो मिलेगा ये एल्युमिनियम का है। और इसके साथ भी ये भी आपको एल्युमिनियम वाला मिलने वाला, पर ये थोड़ी सी और बेस्ट क्वालिटी में बना है। ये प्राइस ये 380 रुपये किलो, यानी आपको सिंपल लोगे तो ये 280 रुपये किलो और ये आपको 380 रुपये किलो। तो इसके साथ में आपको ढक्कन भी मिलेंगे, तो जितना इसका वेट होगा ना उस हिसाब से इसका प्राइस रहेगा बर्तन का। कोई सा भी ले जाए, छोटे बड़े साइज रहेंगे, कोई किलो भी हो सकते हैं, कोई आधा किलो भी, कोई कम वेट में, कोई ज़्यादा में भी। बाकी दिखाऊंगी आपको ये 5 बॉक्स वाला टिफ़िन बॉक्स मिलने वाला है, इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 550 रुपये की रेंज में मिलेगा आपको 5 बॉक्स यानी 550 रुपीज़ की रेंज में। इसमें आपको 2 टिफ़िन बॉक्स, 3, 4 जितने भी लेना चाहो उतना मिल जाएगा। ये 2 वाला मिलेगा आपको, इसका प्राइस क्या रहेगा? ये आपको 120 रुपये का। एक आपको ये हैंडी लुक में दिख रहा है, इसमें भी आपको 5 बॉक्स मिलने वाले हैं हैंडी लुक में, इसका प्राइस क्या रहेगा जो 5 बॉक्स वाला है? ये 750 रुपये की रेंज में आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं बाल्टी में। बाल्टी में देखो सबसे छोटी बाल्टी ढक्कन के साथ आपको मिलने वाली है। बाकी आपने बाल्टियाँ बड़ी देखी होंगी, इतनी छोटी बाल्टी अब तक नहीं देखी होगी, बहुत ही सुंदर बाल्टी। किस हिसाब से भैया? 220 रुपये किलो स्टील में आने वाला है। जैसे इसका वेट होगा उस हिसाब से उसका प्राइस आने वाला है। अभी दिखाऊंगी, ये मिलेगा आपको चम्मच स्टैंड है, इसमें आपको 24 चम्मच आ जाएंगे। इसमें स्टैंड का प्राइस क्या रहेगा? ये 140 रुपये का चम्मच का स्टैंड मिल जाएगा भैया के पास। इसके बाद में आप भैया के पास और भी इस तरीके की ये आपको मिलने वाले हैं, डिब्बे हैं, ये कंटेनर है, ये आपको मिलने वाला 4 पीस का सेट है ना कंटेनर का, ये 5 पीस का। अच्छा ये 5 पीस का है, 5 पीस का सेट है। कितने का पड़ेगा? 1500। ये 1500 रुपये का 5 पीस का आपको सेट मिलेगा। इसका एक साइज और मिलेगा, 4 भैया ने यहाँ पे लगा रखे थे। इसके बाद मैं दिखाऊंगी, ये आपको मिलने वाला है मोमोस वाला स्टैंड मिलेगा, स्टीम वाला। भैया इसका प्राइस क्या है? ये 4 बॉक्स वाला है, ये 650 रुपये का आपको ये मिलने वाला है। ये आपको सफारी कंपनी का कुकर्स मिलने वाला है, 3 लीटर का है और वो भी स्टील पे है। प्राइस रहेगा ओनली 1500 रुपये, इसका प्राइस रहने वाला है 1500 रुपीज की रेंज में। एक ही कोहिनूर का मिलेगा, ये हांडी लुक में है। ये कितने लीटर का भैया? 3 लीटर का। ये भी आपको 3 लीटर का मिलने वाला है, इसका प्राइस ये 850 रुपये। किसमें भी? एल्युमिनियम में। ये एल्युमिनियम में ये 850 रुपये वारंटी गारंटी के साथ मिलने वाला है आपको। इसी तरीके आपको कुकर्स में अलग अलग साइज और अलग अलग वरायटियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद मैं दिखाऊंगी भैया के शॉप में सभी आपको बर्तन मिल जाएंगे जो भी घर में यूज़ होते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी यहाँ पे आपको कटोरियाँ भी मिल जाएंगी। भाई कटोरी का प्राइस ये 180 रुपये दर्जन, 90 की 6 मिलेंगी। बाकी सबसे छोटी कटोरी चटनी वगैरह के लिए ले जा सकते हो या मंदिर में रखने के लिए, इसका प्राइस 10 रुपये। 10 रुपये इसका प्राइस रहेगा। बाकी अब भैया के पास दिखाऊंगी सबसे बड़ा ग्लास, देखो ये कितने लीटर, कितना पानी आ जाएगा भैया इसमें? 500 में आधा लीटर का ग्लास मिलने वाला है, इसका प्राइस क्या रहेगा भैया ग्लास का? ये पड़ेगा आपको 70 रुपये का। ये 70 रुपये का आपको ग्लास मिलने वाला है।
840 रुपए दर्जन। बाकी आपको ये कॉपर पे है ना, नहीं पीतल पे ग्लास मिलेगा सजा हुआ, बहुत ही सुंदर। प्राइस भैया इसका 160 रुपए का, बिल्कुल डिजाइनर आपको ग्लास मिलने वाला है, 160 रुपए प्राइस रहेगा। ये आपको पीतल पे मिलने वाला है। बात करें इनके पास हंडी सेट भी मिल जाएगा। ये हंडी सेट कैसे भैया, थ्री पीस वाला? 450। अच्छा, ये 450 रुपए और 650 रुपए की रेंज में मिलने वाले हैं। बाकी आप ये कैटल ले जा सकते हो चाय वाली, ये थर्मस मिलेगा भैया। भैया इसका प्राइस क्या रहेगा? 280 रुपए। ये 280 रुपए का मिलेगा, एक लीटर का? एक लीटर का। तो ये बच्चों की बोतल मिलने वाली है दूध की, ये भी आपको स्टील में मिलेगी ना। प्राइस ये 350 रुपए, और ये वाली 280 रुपए की, ये भी स्टील पे है भैया, कंपनी की ही बोतल मिलेगी आपको। तो ये देखो ये 250 रुपए की, बाकी मैंने जो दिखाई थी। बर्तन की बात करें इस तरीके की, आपको ये पूरा सेट मिलेगा, 6 ग्लास है एक इसमें। भैया सेट के साथ है भैया, ये सेट कैसे? अच्छा, ग्लास जग और ट्रे 650 रुपए की रेंज में। बाकी आप सिंगल लें तो सिंगल भी मिल जाएगा। ये भी आपको, आप ऑयल रख सकते हो, चाय वगैरह देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। भैया प्राइस ये आपको 160 रुपए में मिलने वाला है। बाकी बात करें जग में भी आपको क्वालिटी अलग अलग, डिजाइनिंग अलग मिल जाएंगे। एक ही में दिखाऊंगी, दालचीनी रखने वाले ये कंटेनर मिलने वाले हैं 5 बॉक्स। देखो इसमें आपको दिख जाएगा बाहर से किसमें क्या रखा हुआ है, इसमें प्लास्टिक वाला ग्लास है ना। ये भी इसका प्राइस करेगा 5 बॉक्स का, ये पड़ेंगे आपको 1000 रुपए। ये 1000 रुपए के 5 बॉक्स पड़ेंगे, और बाकी जो नीचे वाले हैं ना ये स्टील के हैं, इसमें तो छोटे बड़े साइज है, बाकी इसमें भी आपको मिल जाएंगे, ये भी 5 बॉक्स है। इसका प्राइस ये 850 रुपए की। बाकी आप ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ले जा सकते हो। भैया इसका प्राइस क्या रहेगा? ये पड़ेगा आपको 850 रुपए की, ये 850 विद लीड के साथ 850 रुपए। बाकी इस तरीके की आपको हॉट केस एक ही ना, बहुत ही सुंदर, देखो ये भी आपको बॉक्स मिलने वाला है। ये हॉट एंड कूल वाला भैया, हॉट एंड कूल वाला कैसे? 550 का सेट है खाली सिंगल भैया? अच्छा सिंगल ये 550 रुपए का है, और ये 1050 रुपए का हॉट एंड कूल वाला बॉक्स मिलने वाला है। आप राइस रखो, सब्जी रखो या रोटी रखो, तो इसमें भैया कितने घंटे गर्म रहेगा? 12 घंटे भैया पूरे कह रहे हैं गर्म रहेगा। सुबह अगर सब्जी बना ले तो शाम तक गर्म रहेगा, अगर गर्म ही डाली ठंडी डालोगे तो ठंडी ही रहेगी। बाकी इस तरीके भैया के पास यहाँ पे बर्तन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना कि आपको जो आज का सेशन कैसा लगा। तो मिलते सभी को नए ब्लॉग में, जो के लिए बाय।